Now we will discuss about the irrigation का means बेटा सिंचाई करना है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी, irrigation की। First of all irrigation क्या होता है, supply of water to crop at different interval of time, is known as irrigation। इसे क्या कहा जाता है, irrigation कहा जाता है। Time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, season to season। यानी कि अलग अलग frequency, कितनी बार water का irrigation करना है या फिर कितनी time पे करना है, ये हर एक क्रॉप टू क्रॉप चेंज होता रहता है, सॉइल टू सॉइल चेंज होता रहता है, सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है, है ना। सम क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड मोर वाटर एंड सम क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड लेस वाटर। क्लियर। कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनमें कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसे सीजन की बात है, गर्मी की समर सीजन में ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है और विंटर सीजन में कम वाटर की जरूरत, ठीक है। अब है सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स क्या हैं? सोर्स ऑफ इरिगेशन तो फर्स्ट है वेल्स, कुएं होते हैं, ट्यूब वेल्स होती हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं। दीज आर द सोर्स ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स, नहर है ना। दीज आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट दैट इज मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड क्या क्या है? तो मेथड ऑफ इरिगेशन, Various method are used to take out water from the source of the field. Number first is traditional method. This is traditional method. सबसे पहले क्या होता है हमारा, traditional method होता है बेटा, ठीक है। Traditional method में जो हमारा बहुत पहले लोग करते थे वो सारे method आते हैं। First is moat, है ना। मोट को हम क्या कहते हैं बेटा, पुली सिस्टम। क्या कहते हैं? पुली सिस्टम। इसमें पुली सिस्टम का यूज होता था और कुएं से वेल से वाटर को बाहर निकाला जाता था। नंबर नेक्स्ट है चैन पंप, दैट इज चैन पंप। चैन पंप, इट कंसिस्ट ऑफ अ पंप हैविंग एंडलेस चैन्स रनिंग ओवर अ ड्रम और व्हील, है ना। ये आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है बेटा चैन पंप का। और इसमें क्या होता है, चैन के थ्रू क्या होता है, उसमें वाटर आता रहता है, ठीक है। वो जो ड्रम होते हैं उनमें वाटर आता रहता है और व्हील वगैरह जो होते हैं वो चलते रहते हैं। नंबर थर्ड इज ढेकली। नंबर थर्ड इज ढेकली। ढेकली भी हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। और आफ्टर दैट रहट। रहट क्या है बेटा, सिंपल लीवर सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील अटैच टू अ नंबर ऑफ बकेट। इसमें बहुत सारी बाल्टियां लगी हुई होती हैं और धीरे धीरे ये बाल्टियां कुएं के अंदर जाती रहती हैं और पानी को खींचती रहती हैं, ठीक है। ये सब हमारे कौन से मेथड थे बेटा, सभी के सभी हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन।